रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, 15 साल सरकार चली, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रश्न था राशन के घोटालों का। कांग्रेस सरकारों ने राशन जो देते थे इसमें बीच में चाव करने की व्यवस्था थी। रमन सिंह जी ने घर घर राशन पहुंचाने वाली पहली बार थंब इम्प्रेशन वाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम रमन सिंह जी। और मैं खुद घुमाऊं छत्तीसगढ़ में, गुजरात से प्रवासी कार्यकर्ता करकर आया था, दूसरा चुनाव था, मुझे याद है रमन सिंह जी को कोई रमन सिंह नहीं कहता था, चावल वाले बाबा करकर पूरा छत्तीसगढ़। हमने अनाज को, हमने धान को गरीब की झोपड़ी में पहुंचाने का काम किया। और मोदी जी ने जब धान भेजना शुरू किया कोरोना के कालखंड में, 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज भेजा, ये 5 किलो अनाज ये भूपेश बघेल चाव कर गए और 15 किलो की जगह सिर्फ 10 किलो अनाज लेकर गरीबों का अनाज छीनने का काम, धान छीनने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार। कौशल उन्नयन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भूपेश बघेल ने कौशल उन्नयन तो चालू रखा, मगर किस चीज का? छत्तीसगढ़ के बच्चों को दुबई भेजकर ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का कौशल उन्नयन भूपेश बघेल। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को पूछने आया, हमारे बच्चों को रोजगारी चाहिए या जुए की लत लगानी? अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों को गुमराह करने वाली ये सरकार, और मुझे विश्वास है घबराए हूं, हर रोज कहते हैं एजेंसियां ये करेगी वो करेगी। अरे भैया, आपने अगर ये करा है तो एजेंसी अपना काम जरूर करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।